हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू डॉक्टर जे इंग्लिस क्लासेस तो जैसे कि आज मंडे है और मंडे को आपको पता है कि हम ग्रामर की क्लास लेते हैं मंडे एंड थर्सडे ग्रामर और बाकी रिमेनिंग डेज पे वो की क्लास होती है तो आज मंडे है और मंडे को आपकी ग्रामर की क्लास चूँकि नाउन चल रहा है इस समय और नाउन में जो आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं बेसिक नाउन पूरा पढ़ चुके हैं कलेक्टिव नाउन की पूरी सीरीज आपको बताया हूँ इसके बाद में आपने नाउन एंड नंबर पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं आज जो है एक बड़ी प्यारी सी टॉपिक नाउन की और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है नाउन एंड द जेंडर वेरी बेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है टॉपिक वाइज नाउन से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करके बताता चल रहा हूँ तो नाउन एंड जेंडर से वन क्वेश्चन डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में चाहे जो एग्ज़ाम आप देंगे इवन अभी सी और सी का एग्ज़ाम है तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा बहुत प्यारी सी टॉपिक एक अच्छे से कोटेशन के साथ आपका क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी सब लोग सेशन से जुड़ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाओ चैनल को लाइक कर लो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले देखो सबसे पहले आज फर्स्ट आप ऑल रूबी जी जुड़ी हैं डॉक्टर साहब हमारे पिंकू सिंह विपिन वर्मा सबको गुड आफ्टरनून नमस्ते नमस्कार तो एक बड़ी प्यारी सी टॉप कोटेशन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं एक बड़ा बढ़िया सा मोटिवेशनल कोटेशन जिससे आप लोग थोड़ा सा फुल्ली एनर्जेटिक रहा करें क्लास में ये कोटेशन आपके लिए फिर क्लास स्टार्ट होगी नो पॉइजन कैन किल पॉजिटिव थिंकर और नो मेडिसिन कैन क्योर निगेटिव थिंकर बड़ा प्यारा सा कोटेशन ये कह रहा है कि नो पॉइजन कैन किल पॉजिटिव थिंकर कोई भी जहर जो है दुनिया का कोई भी ऐसा जहर नहीं है कि पॉजिटिव सोचने वालों को मार सके उनके विकास में उनके डेवलपमेंट में कभी भी ऑबस्टिकल बन सके और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो निगेटिव सोचते हों उनकी क्योर कर सके उनकी दवा कर सके जब आप पहले ही निगेटिव रहेंगे कहीं घर से निकले और आप पहले ही डरे हुए ऐसा ना नो एक्सीडेंट हो जाए ऐसा नो एक्सीडेंट हो जाए दिमाग में डर बना हुआ है उसकी कोई दवा नहीं है कोई एग्जाम देना है कोई मैच खेलना है पहले इस हार का डर बैठ गया हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे कोई दवा नहीं बनी आपको जिता दे इसलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज आप पॉजिटिव रहिए खूब हार्ड वर्क करते रहिए और ये लाइफ का सबसे मेन मंत्र है किसी भी काम को करने के लिए किसी भी फील्ड में आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा आपका कॉन्फिडेंस ही आपको विक्ट्री दिलाएगी इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों को तो बड़ा प्यारा सा कोटेशन इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं नाउन एंड द जेंडर एक एक टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आप लोग धीरे धीरे समझते चलिए नाउन एंड द जेंडर क्लास स्टार्ट होगी आपकी नाउन एंड द जेंडर से है ना और आज आप लोगों को अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट भी दूंगा अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट है ना अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट भी आज आप लोगों को दूंगा उसमें से जो आप लोगों को मैक्सिमम जितने वर्ड मुझको मिले सब ढूंढ के ले आया हूँ आप लोगों के लिए ओके okay. तो नाउन एंड द जेंडर यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होगी आज देखो नाउन जो टॉपिक है ना आप लोग क्लास सिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लड़के और पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना इसलिए इसको ना कोई आदमी बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना चाहता ना कोई पढ़ाना चाहे टीचर कहते नाउन तो आपको आता ही होगा और स्टूडेंट कहते हैं कि बस मुझे आता ही आता है बस क्वेश्चन नहीं बनते जब एग्जाम में ना आप जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को परेशान करता है देखो अभी लास्ट क्लास में मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन बनवाए लेकिन <laughs> बहुत परेशान किया सबको है ना तो इसलिए आप बड़े ध्यान से धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्वेश्चन ना आप लोगों के गलत होते हैं गलत नहीं होना चाहिए स्टार्ट करते हैं क्लास देखो जेंडर जो है इंग्लिश में जो जेंडर है ना वो फोर टाइप्स के होते हैं ठीक है एक एक चीज़ धीरे धीरे आप लोग समझते चलिए इंग्लिश में जो जेंडर हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं ठीक है जिसमें फर्स्ट टाइप है मेस्कुलिन जेंडर सेकेंड टाइप को कहते हैं फेमिनिन जेंडर और थर्ड टाइप को कहते हैं कॉमन जेंडर और फोर्थ एंड लास्ट टाइप इज न्यूटर जेंडर तो ये फोर टाइप्स के जेंडर हैं देर आर फोर टाइप ऑफ द जेंडर इन द इंग्लिश और इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करना है दो मिनट पाँच मिनट दस मिनट वाला डिस्कशन नहीं करना है इतना डिस्कशन करना है ना कि क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में डेफिनेटली बन जाए बिना किसी हेजिटेशन के है ना तो सबसे पहले जो बचपन से आप लोग जानते आ रहे हो ना कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है अच्छा मज़े की बात यह है ना कि यूपी पीसीएस में जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है ना उसमें भी पूछता है कि बताइए ये पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है डायरेक्ट पूछता है है ना तो लगभग लगभग सभी लड़के परेशान हो जाते हैं और गलत करके ही आते हैं चलो इसी क्रम में आप लोग भी फटाफट पट एक चीज बता दो रिवर जो है रिवर कौन सा जेंडर है और ओशियन कौन सा जेंडर है अभी सब आपको पता चलेगा ना इसकी डेप्थ के बारे में हम क्लास स्टार्ट रखते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे रिवर आर आई वी ई आर रिवर रिवर कौन सा जेंडर है एंड ओसियन ओ सीई एन ओशियन कौन सा जेंडर है पटापट कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्लास को स्टार्ट रखता हूं मैं तो फर्स्ट आपको जानना है ना कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है देखो मैस्कुलिन का मतलब है ये केवल मेल चीजों को शो करेगा है ना केवल मेल चीजों को मैस्कुलिन जेंडर शो करेगा द मैस्कुलिन जेंडर इज यूज फॉर ओनली ऑल मेल्स द मेस्कुल जेंडर इज यूज फॉर आल मेल्स जैसे मैन एम एन मैन ओसियन मेल रीवर फेमस सावस भाई वाह आज तो भाई रूबी जी ने कमाल कर दिया <laughs> सावस बहुत अच्छी चीज है हाँ तो देखिए जैसे मैन है मैन जितने मैन इस दुनिया में है वो मैस्कुल जेंडर में आएंगे जितना मैन का नाम है जैसे कुछ नाम तो मेल फीमेल दोनों रख लेती हैं आजकल जैसे कमलेश है मेल फीमेल दोनों का नाम होता है मिथिलेश है मेल फीमेल दोनों का नाम होता है लेकिन देखो मैन एम ए एन मैन राम राम देखो राम लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग जो है मेल का ही नाम होता है राम फादर फादर जो भी होगा मेल ही होगा है ना डॉग एस ये सब जो है मेल के अंतर्गत आते हैं है ना ये सब किसके अंतर्गत आते हैं मेल के अंदर दिस इज द मैस्कुलिन जेंडर ध्यान से समझिए सब लोग देखो मैस्कुलिन जेंडर द मैस्कुलिन जेंडर इज यूज फॉर ऑल मेल्स सभी मेल्स के लिए यूज होता है राम डॉग मैन फादर एक्टर हीरो इटीसी मैस्कुलिन जेंडर इज क्लियर मैस्कुलिन जेंडर समझ में आ रहा है आप लोगों के पीपीटी बताइए भाई आप लोगों को पीपीटी एकदम क्लियर लग रही है पीपीटी एकदम हाँ पीपीटी एकदम समझ में पीपीटी एकदम अच्छी सी दिख रही है आप लोगों को चलो तो देखो ये है मैस्कुलिन जेंडर नेक्स्ट देखते हैं फेमिनिन जेंडर देखो फेमिनिन जेंडर क्या होता है ना वाह <laughs> आप लोगों को विजिबल हो अच्छे से बड़ी सुंदर पीपीटी बनाती हैं डॉक्टर साहब हमारे देखो फेमिनिन जेंडर इज यूज फॉर ऑल फीमेल्स सभी फ़ीमेल्स के लिए फेमिनिन जेंडर यूज होता है फेमिनिन जेंडर इज़ यूज फॉर ऑल फीमेल्स जैसे फीमेल का जो नाम होता है ना सारी फीमेल्स का नाम वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा जितनी मदर हैं एम ओ टी एच ई आर मदर जितनी मदर हैं वो भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगी सीता बूमेन काऊ सिस्टर ये सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा है ना देखो फेमिनिन जेंडर इज यूज फॉर ऑल फीमेल्स सभी फीमेल्स के लिए धीरे धीरे देखो ए टू जेड आप लोगों को सीखना है <laughs> चलो सही है एकदम ए टू जेड आप लोगों को सीखना है जड़ से है ना धीरे धीरे अभी इसके डेप्थ में जाएंगे सीता ओमेन सिस्टर काउ मदर है ना दिस इज द फेमिनिन जेंडर आपकी घर आए भाई तो इनसे मिलना है है ना इनके घर चलना है पूरी उड़ी खिलाएंगे ये पूरी उनको पसंद भी बहुत है पूरी खिलाओ बना के आप है ना फिर देखते हैं कामन जेंडर है ना देखो कॉमन जेंडर का मतलब है कि द कामन जेंडर डिनोट्स द नाउन इज ईदर मेल और फीमेल द कामन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज ईदर मेल आर ए फीमेल या तो मेल होगा या फीमेल होगा उसे कहते हैं कामन जेंडर है ना जैसे कामन जेंडर यह शो करता है ना कि जो नाउन है या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा है ना जैसे फ्रेंड है फ्रेंड देखो फ्रेंड या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी स्टूडेंट आप ले लो स्टूडेंट या तो मेल स्टूडेंट होगा या तो फीमेल स्टूडेंट होगा प्लेयर ले लो प्लेयर है ना मेल प्लेयर देखो अभी वुमेन ने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है ना तो मेल प्लेयर फीमेल प्लेयर चाइल्ड चाइल्ड बच्चा डॉक्टर इन्फेंट शिशु इन्फेंट जो शिशु लोग होते हैं है ना पेरेंट पेरेंट ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं सर्वेंट क्लर्क सिंगर चाहे जो सिंगर देखो मेल सिंगर फीमेल सिंगर क्लर्क होगा मेल होगा फीमेल होगा टीचर मेल होगा फीमेल होगा प्रोफेसर मेल होगा फीमेल कुछ भी ले लो कितने भी एग्जाम्पल आप ले लो तो मेन डेफिनेशन समझ में आई होगी कि कॉमन जेंडर जो है द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज ये मेल ईदर मेल आर ये फीमेल कुछ कन्फ्यूजन बचपन में जो डेफिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे उन सब कंफ्यूजन को हटाते हुए आपको ध्यान देना है कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा देखो तो टीचर है टीचर मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकता है चाइल्ड बच्चा डॉक्टर चोर देखो चोर ना अब फीमेल भी चोरी करने लगी है ना पेरेंट्स स्टूडेंट इन्फेंट रिलेटिव देखो रिलेटिव मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं है ना बेबी सर्वेंट राइटर सिंगर अब ये रटने मत लगना सब लोग है ना इसको रटना नहीं है एक जनरल सी डेफिनेशन समझ लेनी है कि ये ग्रुप हो जिसमें मेल फीमेल कोई ना कोई जरूर होंगे नहीं रटने लगोगे अरे इसको भी याद करना <laughs> कुछ लोग रटते बहुत हैं है ना तो समझना है इस चीज़ को कि इधर ही मेल आर फीमेल क्लर्क बर्ड डियर सी फॉक्स एलिफेंट ऑथर ड्राइवर टाइपिस्ट है ना देखो ड्राइवर ना ड्राइवर को पहले केवल जो है मेल माना जाता था है ना लेकिन अब तो ये लोग जो है बस से लेकर ट्रक से लेकर और एरोप्लेन तक चला लेने लगे इसलिए इसको कॉमन जेंडर में गिना गया है ना फूट प्रोफेसर स्पीकर कुक गेस्ट आर्टिस्ट एनिमी एनिमी है ना देखो, ना देखो पहले जो है जो सेना में लोग जाते थे ना पहले सेना को जो है केवल मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाता था लेकिन अभी देखो एनडीए में पोस्ट निकलती है ट्वेंटी परसेंट फीमेल के लिए रिजर्व है है ना तो अब जो है ये कॉमन जेंडर में काउंट होता है बात क्लियर हुई यहां तक कोई डाउट लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ जेंडर इज न्यूटर जेंडर देखो ये यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आप लोगों को मिलेगा और इसके जस्ट बाद एक बड़ी प्यारी सी टॉपिक है पजेसिप केस है ना तो वहां से भी एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलने की पूरी संभावना रहती है बस धीरे धीरे आप लोग समझते चलिए है ना? न्यूटर जेंडर न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है ना कि नाउन ना तो नर जाति का है और ना मादा कह रहा है कि ना इधर ये मेल न ये फीमेल ना मेल है ना फीमेल है द न्यूटर जेंडर इज यूज फॉर थिंग्स हैव नो लाइफ नो लाइफ no ये ध्यान देने वाली बात है जिसमें लाइफ ना हो उसके लिए न्यूट्रोजेंडर यूज किया जाता है अथवा जैसे उड है उड उड में लाइफ है नई लाइफ है न्यूट्रोजेंडर में यूज किया जाएगा ऑयल जितने भी ऑयल होते हैं घी का ऑयल चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो चाहे जो ऑयल हो सब न्यूट्रोजेंडर में आते हैं क्रो एंड दो तो चीटियों को न्यूट्रोजेंडर में रखा जाता है, है ना बेंच स्कूल पार्क पेन पेन में लाइफ तो है नहीं क्लास वॉच ऑनेस्टी आर्मी ये सब किस में आते हैं न्यूटर जेंडर में आते हैं क्लियर हुआ कि जिसमें लाइफ ना हो उसे क्या बोलते हैं न्यूटर जेंडर यहां तक बात समझ में आई देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अभी देखो क्वेश्चन जब बनेगा तब आप तो को जो है डिफ़िकल्टी महसूस होगी कि कैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं सिंपल सिंपल वो गलत करते हैं आप लोग है ना देखो यहाँ एक चीज़ बड़ी प्यारी सी करा रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फैमिलिन जेंडर मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे चेंज किया जाता है देखो ये रटना नहीं है बस एक झलक इसको देखना है आप लोगों को कि कैसे चेंज किया जाता है समझ लोगे तो गलत नहीं होगा है ना देखते हैं चलो ध्यान से कैसे चेंज होगा मैस्कुलिन से फेमिनिन में देखो प्रिस्ट में डबल जोड़ दिया तो प्रीस्ट से होगा देखो यहां पे प्रिस्ट में ई एस प्रीस्टेस मास्टर मिस्ट्रेस टाइगर टिग्रेस कंडक्टर कंडक्ट्रेस फाउंडर फाउंड्रेस मिल्कमैन मिल्क फादर इन ला मदर इन ला ही सीबियर फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुल एवं जेंडर नीचे दिए गए हैं है ना देख लो एक बार ध्यान से आप लोग देख लो जल्दी जल्दी सब लोग ध्यान से इसको चलो देखो फाउंडर फाउंड्रेस वेटर वेट्रेस टेलर टेलरस आथर आथरेस अच्छा देखो ये टेलर है ना जब ये लग के आएगा ना टेलरेस तो इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज होगा ना वो हर का यूज होगा और यही गलती लोग करते हैं ठीक है आथर ऑथरेस इनके विशेष नियम के कुछ ऐसे जो विशेष नियम के तहत बदले जाते हैं देखो एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है लेड नहीं लैस होता है ना लड़का लड़की बोर सो है ना देखो ध्यान से देख लो सब लोग फटाफट पट? देखते चलो एक्टर एक्ट्रेस बेनीफेक्टर बेनीफेक्ट्रेस देख लो एक बार ध्यान से कैसे चेंज होते हैं बड़ा सिंपल सिंपल है एक झलक देखना है इसको फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं है ना इज इट क्लियर देखो कुछ केसेस में कंपाउंड मेस्कुलर नाउन फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं पहले और दूसरे शब्द में कुछ परिवर्तन होता है जैसे मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट वास्तर मैन वास्तर वूमेन पी पॉकेट पी हेन ही कैट सी कैट बुल काफ काउ काफ जैकस जेनियस बुल एलिफेंट काउ एलिफेंट है ना अब देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है ये कह रहा है कि कुछ नाउंस ऐसे होते हैं ना जिनका यूज केवल फेमिनिन जेंडर में होता है कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनका यूज़ सिर्फ फेमिनिन जेंडर में होता है और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस सी हर हर्स इन सबका यूज किया जाता है है ना? जैसे फेमिनिन जेंडर में जो जब सबसे पॉपुलर चीज को मून है मून द मून मून जो है ऑलवेज फेमिनिन जेंडर में यूज़ किया जाता है द अर्थ अर्थ पृथ्वी पृथ्वी को भी ना फेमिनिन जेंडर में यूज किया जाता है सिटी जितने भी शहर हैं सिटी उसको फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है नेशन नेशन जो भी नेशन है उसको फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है कंट्री किसी भी देश का नाम कंट्री फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है रिवर फेमिनिन जेंडर में मोडेस्टी फेमिनिन जेंडर में ट्रूथ जस्टिस ये सब फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है है ना तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि आपको फेमिनिन जेंडर में क्या क्या चीजें काउंट की जाती हैं अच्छा एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है जेलसी है ना? <laughs> तो जेलसी जो है अब जे को डेफिनेटली फेमिनिन जेंडर में ही काउंट किया जाता है भले पुरुष किसी से रखते हों लेकिन ये बेल डिफाइन है कि औरतों में जो है ईर्ष्या ज़्यादा होती है <laughs> कि तो जेलसी जो है फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है है ना? तो जेलसी तो याद करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को वो देखेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है फेमिनिन जेंडर में काउंट की जाती है कार जैसे कार है ये भी फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है ट्रेन को भी फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है ट्रेन को है ना तो बहुत सारी चीज़ें फेमिनिन जेंडर में काउंट की जाती हैं मर्सी को फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है तो देखो ये सब चीज़ें हैं ना कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ फेमिनिन जेंडर में ही होता है तथा तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस सी हर 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 सेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है है ना द मून द अर्थ नेचर वर्चू होप चैरिटी ह्यूमिलिटी मर्सी फेथ पीस रिवर नेशन जेलसी सिटी कंट्री कार मोडेस्टी ट्रेन प्राइड ट्रूथ जस्टिस तो ये इतनी चीज़ें जो है फेमिनिन जेंडर में यूज किया जाता है बात समझ में आई अच्छा कुछ नाउन ऐसे हैं ना जिसका प्रयोग जो है देखो कैसे इसका यूज किया गया है द मून सेट हर लाइट ऑन द बैंक अब देखो यहां जब एग्जाम में आप जाएंगे ना तो जो हर हर है ना हर अब मून तो ये नाउन है ये तो पता है सब्जेक्ट है वर्ब से तो कोई मतलब है नहीं अब इसके लिए यहां क्या यूज किया जाएगा यहां कंफ्यूजन होती है यहां एग्जाम में तुरंत कंफ्यूजन होगी और एक मार्क्स आप लोगों का नुकसान करेगा अगर यहां कहीं हिच लगा दिया तो जान लो ये क्या क्वेश्चन तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो है फेमिनिन जेंडर में यूज किया गया है है ना इज इट क्लियर अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम बड़ी प्यारी सी टॉपिक लेकिन इसको ध्यान से स्टेप टू स्टेप पढ़ना है भले से आप लोगों को कुछ इसमें से पता होगा या हो सकता है ज्यादा ही पता हो लेकिन देखना सब है अभी धीरे धीरे अपनी डेप्थ में जाएगा बेसिक टू तो एडवांस चल रहा है जैसे जैसे अभी क्लास बढ़ती जाएगी अपने पीक पे होता चला जाएगा है ना जैसे वैष्णो देवी जब टूर करने जाओ तो वहाँ पे वैष्णो देवी जैसे जैसे नज़दीक आती है मंदिर ना माता जी की गुफा वैसे वैसे जो है थकान बढ़ती है वैसे वैसे ऊंचाई का अंदाज़ा लगता है है ना और वहाँ से जब भैरव घाटी पहुँचना होता है तब और पता चलता है कितना मुश्किल है वैसे वैसे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आप लोगों को अच्छा लगेगा और थोड़ा सा लेवल बढ़ता चला जाएगा है ना तो आपको ये पता चला कितनी चीज़ें फेमिनिन में यूज होती हैं ऐसे है, कुछ ऐसे नाउन है ना जिनका प्रयोग सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर में होता है सिर्फ और सिर्फ उनका फेमिनिन में यूज नहीं होगा किसी तरह उनमें चेंज करके उसको फेमिनिन या न्यूटर नहीं बनाया जा सकता उसका जो है सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर में ही यूज होता है जैसे सन सूर्य है सन का यूज ऑलवेज जो है मैस्कुलिन जेंडर में ही होगा जैसे डेथ है डेथ टाइम ओशियन है ना जितने मौसम होते हैं वेदर समर विंटर ये सब जो है किसमें यूज होते हैं मैस्कुलिन जेंडर में यूज होते हैं लॉयर है, जितने लॉयर हैं सोल्जर हैं देखो सोल्जर अब फीमेल भी होने लगी हैं लेकिन अभी भी जो है इसको मैस्कुलिन ही माना जाता है लॉयर सोल्जर थंडर ये सब मैस्कुलिन जेंडर में यूज होते हैं अगर सोल्जर किसी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वो हिज का ही करेंगे अगर आप हर का यूज़ करेंगे तो वो गलत माना जाएगा क्योंकि अभी भी जो है जो ग्रामेरियन नेस फील्ड है ना उसको हिज ही लगाते हैं ठीक है अपना दिमाग नहीं लगाना है कि सोल्जर महिलाएं भी होती हैं तो ये फेमिनिन नहीं है इसके लिए आपको हिज ही लगाना है इज इट क्लियर देखो यहाँ तक कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका प्रयोग सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर में होता है तथा तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही हिम हिज एंड हिमसेल्फ का प्रयोग होता है जैसे सन टाइम डेथ, सन टाइम डेथ, विंटर वाइन समर थंडर ओशियन लव अच्छा देखो वाइन और वार ये दो चीज़ें ना लव, वार वाइन ये तीन चीज़ें ध्यान से देखो ये कहता है मैस्कुलिन जेंडर है अब मुझे तो लगता है ये सबसे ज्यादा जो है आजकल तो समस्या ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन देखो तो सबसे ज्यादा झगड़ा क्या कहें है ना देवी लोग ही घर में करती हैं सास जिठानी देवरानी घर वालों को परेशान कर रखती हैं ना वाइन की भी हालत खराब हो रखी है आजकल ठीक <laughs> बहुत हालत खराब है वाइन की भी हैं दस्तन शॉट इज ब्राइट रेज है ना डेथ ऑलवेज नोज हिज बिक्टम देखो यहां पे डेथ का यूज हुआ है ना और देखो यहां पे हिज का यूज हुआ है है ना डेथ ऑलवेज नोज हिज ना? तो वाइन जो है वाइन को आप लोग आज भी वाइन के साथ हिज का ही यूज करेंगे घबराएंगे नहीं है ना बाकी यहां यूज करने से कोई टेंशन नहीं है ठीक नेक्स्ट देखते हैं कुछ नाउन्स का यूज सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर में होता है अच्छा देखो ये बड़ी विडंबना है कि कुछ नाउंस आज भी जो है मैस्कुलिन जेंडर में यूज होते हैं जैसे सू मेकर बेकर बेकरी का काम करने वाले मर्चेंट शोल्जर लॉयर और देश का सबसे बड़ा केस जो है एक फीमेल ने जिताया था जो यहाँ अमेरिका में हुआ था बलिया की घटना जो थी सबसे बड़ी लार फीमेल ही थी लेकिन आज भी चूंकि ग्रामेरियन लोग जो है इसको मैस्कुलिन ही मानते हैं लायर को लेकिन ऐसा है नहीं अब तो फीमेल सुप्रीम कोर्ट में जजेज भी हो गई हैं है ना वुमेन का प्रयोग जो है इसको डिनोट करने के लिए करना चाहिए ना कि लेडी का अच्छा देखो लेडी डॉक्टर सब बड़े धलड़े से कहते हैं ध्यान देना इस बात पर बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेडी डॉक्टर सब लोग कहते हैं लेकिन नहीं कहना चाहिए अगर आप वुमेन डॉक्टर कहेंगे तो आपको लगेगा कि गड़बड़ है लेकिन सही वही है लेडी डॉक्टर नहीं होता वुमेन डॉक्टर कहना आपको लेडी सर्वेंट नहीं होती वुमेन सर्वेंट होती है लेडी टीचर वुमेन टीचर अच्छे अच्छे लोग लेडी टीचर लेडी डॉक्टर कहते हैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग लेडी डॉक्टर कहते हैं नहीं कहना है आपको आपको कहना है वुमेन डॉक्टर लेडी ड्राइवर लेडी ड्राइवर नहीं कहना है वुमेन ड्राइवर कहना है क्या कहना है ड्राइवर यहां तक बात क्लियर हुई कोई डाउट बड़ी प्यारी सी टॉपिक है आप लोग जो है कभी भी देखो कहेंगे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ गांव में शहर में सब कहते हैं लेडी डॉक्टर को दिखाओ सी योर पेशेंट टू लेडी डॉक्टर ना लेडी डॉक्टर नहीं वुमेन डॉक्टर आप जब भी कहेंगे तो वुमेन डॉक्टर कहेंगे भले लोग आपको गलत समझें है ना सोसाइटी में ना लोग टाइम को टेम बोलते हैं हमारे यहां कहते हैं कार टेम हुआ ऐसे लिखते हैं टेम जबकि टेम कोई शब्द नहीं होता अब ऐसा नहीं कि वो टेम बोला अभी टेम बोलने लगो है ना एक नारी पर भारी हाँ <laughs> कीर्ति वर्धन जी हमारे जुड़ गए हैं खुश रहो भैया मस्त रहो है ना एक नारी पर भारी तो आपको वुमेन टीचर लिखना है वुमेन डॉक्टर लिखना है वुमेन सर्वेंट लिखना है वुमेन ड्राइवर लिखना है बात समझ में आ रही है ना गलती से भी गलती नहीं करनी है ये कलेक्टिव नाउन देखो कह रहा है कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी जूरी कमेटी क्लास टीम गवर्नमेंट फैमिली मोब काउंसिल आर्मी क्राउड क्र्यू देखो जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड आपको याद है जितने कलेक्टिव नाउन में हैं लेकिन नाम देखते आपको ये पता हो जाना चाहिए ना कि ये कलेक्शन ऑफ समथिंग है इसलिए इसको कलेक्टिव कहा गया है है ना नहीं आप लोग सोचो कि बस इतना सारे वर्ड रट लेना है बस इतना पता होना चाहिए ना कि मोब है अगर भीड़ है दंगाइयों की तो वहाँ लोग जुटे होंगे तो ये कलेक्टिव हो गया क्राउड है इसका मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे जूरी है तो दो चार पाँच जूरी होंगी दस बीस जूरी हो सकते हैं तो इतना ध्यान रखना है थोड़ा समझना है बात को जूरी कमेटी क्लास टीम टीम है तो उसमें कई प्लेयर होंगे गवर्नमेंट है तो कई लोगों से मिलकर बनी होगी फैमिली मोप काउंसिल आर्मी क्राउड क्रू का बोध होता है इसे न्यूटर जेंडर माना जाता है जितने भी कलेक्टिव नाउन है इन्हें न्यूटर जेंडर माना जाता है क्या माना जाता है न्यूटर जेंडर तथा इसके लिए न्यूटर जेंडर प्रोनाउंस इट इट्स और इट्स सेल्फ का यूज किया जाता है बहुत ध्यान से देखने वाली बात है जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं उन्हें न्यूटर जेंडर माना जाता है और उनके लिए जो प्रोनाउन का यूज होगा वो होगा इट इट्स और इट्स सेल्फ अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं है ना यहाँ तक कोई डाउट द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट देखो यहां कितना ध्यान देने वाली बात है यहां पे कमेटी देखो जेंडर हुआ कमेटी जेंडर एक एक चीज ध्यान से समझना है और यहां पे जो प्रोनाउन का यूज किया गया ना वो देखो इट्स का यूज किया गया है ना सिक्स मंथ के अंदर द टीम हैज डेक्लेय दैट इट विल इसके साथ देखो टीम है ना यहां पे टीम कलेक्टिव नाउन है ना कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को हम गिनते किसमें हैं न्यूटर जेंडर में कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर में गिनते हैं न्यूटर जेंडर में इसलिए इसके लिए जो है इट का यूज हुआ इट विल विन द मैच इज इट क्लियर देखो देशों के नाम प्राय आया जेंडर या फेमिनिन जेंडर माना जाता है जितने देश के नाम हैं उनको या तो फेमिनिन जेंडर माना जाएगा या तो न्यूटर जेंडर माना जाएगा है ना तथा इसके लिए इट्स या हर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है दोनों का यूज आप कर सकते हैं लिखा इंडिया है जे शेक्सपियर ऑफ इट्स हर आउन चाहे इट्स का योग होगा चाहे हर का यूज होगा है ना दोनों का यूज किया जा सकता है बात समझ में आई चूंकि देशों के नाम को न्यूटर जेंडर और फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है एक एक चीज ध्यान से धीरे धीरे समझते चलो बड़ी प्यारी सी टॉपिक है देखो यहां से एक और टॉपिक स्टार्ट हो रही है जेंडर इतना ही था नाउन में जो जेंडर आपको पढ़ना है इससे ज्यादा जेंडर से क्वेश्चन नहीं आएंगे अब जो संभावना अगली संभावना जो एग्जाम में आने की है वो है केस वो है केस पजस्िप केस है ना तो देखो केस के बारे में जो है आपको धीरे धीरे बताता हूं पजस्िप केस है ना थोड़ा सा समझ लीजिए पहले पजस्िव केस के बारे में आप लोग देखो पजस्िव केस जो है जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है पोजीशन है ना पजस्िव केस अधिकार या संबंध को बताता है नाउन या प्रोनाउन से अधिकार या संबंध है ना ऑनरशिप और पोजीशन को शो करता है पजस्िव केस और इसके लिए ना एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी का मतलब ये ये मार्ग जो होता है एपोस्ट्रोफी या ऑफ इस दो चीज़ का यूज होता है बात समझ में आई जहाँ कोई डाउट होगा ना आप लोग बड़े आराम से पूछना चूँकि कंप्लीट करने का टारगेट जो है समझाते हुए है जल्दी जल्दी भागना नहीं है है ना जहाँ डाउट होगा तुरंत पूछना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो दिमाग में क्वेश्चन आता है उसको तुरंत पूछ लिया करना ठीक है तो पजेसिव केस जो है ये पोजीशन अधिकार को दर्शाता है किसी अभी देखना कितनी बड़ी बड़ी गलती सब लोग करते हैं अच्छे अच्छे फैमिली के लोग पोजेसिव केस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आप लोगों को बताता हूँ तो ये अधिकार को बताता है ठीक है स्वामित्व को बताता है पोजिशन और ऑनरशिप को बताता है और इसके लिए जो है एपोस्ट्रॉफी या आफ का यूज किया जाना चाहिए किसका यूज किया जाना चाहिए एपोस्ट्रॉफी और आफ का यूज इसके लिए किया जाना चाहिए है ना देखो जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव देखो यहाँ पे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो तब उस नाउन या प्रोनाउन को पोजेसिव कहते हैं पोजेसिव। अच्छा इसका और डिटेल से जो है हम लोग स्टडी करेंगे जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब यहाँ जितना है नाउन में उतना आप लोग करते चलिए है ना पोजेसिव के पोजिशन अधिकार या ऑनरशिप स्वामित्व तो बताता है ऑनरशिप है ना ऑनरशिप स्वामित्व तो बताता है नाउन के पोजीशन या ऑनरशिप बताने का काम एपोस्ट्रोफी ये जो है इसको बोलते हैं जो ऊपर वाला चिन्ह ये लगा है ये अप्रॉफी दोनों तरफ नहीं लगता एक तरफ लगता है ना अथवा आप के सहारे किया जाता है जो आपको ऑनरशिप बतानी है वो एपोस अथवा अथवा के सहारे किया जाता है देखो ये लिखा ना चिल्ड्रंस गेम गेम किसका है चिल्ड्रेन का गेम है यहाँ चिल्ड्रेन का गेम सीधा सा मतलब यह है और इसका दूसरी भाषा में लिखेंगे द गेम ऑफ चिल्ड्रेन ठीक है देखो राम्स हाउस द हाउस ऑफ राम देखो यहाँ जो है हमारे लोग लिखते कैसे हैं ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं देखो गांव में शहर में सब जगह चौधरी सदन अपने घर के बड़े बड़े अक्षरों में बहुत पैसा खर्च करके लिखवाते क्या है चौधरी सदन देखो हमारे यहां इनका घर है फुटहिया में तो ये लिखाएंगे पाठक हाउस अब बताओ इसका क्या मतलब निकल रहा है देखो चौधरी सदन का मतलब हो गया ये दोनों नाउन हो गए यहां चौधरी भी नाउन सदन भी नाउन है ना अब इसका मतलब चौधरी सदन दोनों दोनों अलग अलग चीजें हो गई चौधरी अलग हैं सदन अलग हैं है ना यहाँ कोई ऑनरशिप नहीं है कोई ऑनरशिप नहीं है कोई पोजिशन दिख ही नहीं रहा यहां पे और यहां देखो क्या लिखा है पाठक हाउस मतलब पाठक अलग है घर अलग है कोई ऑनरशिप नहीं है कोई ऑनरशिप नहीं है अच्छे अच्छे मकानों में ऐसे लिखा रहता है पाठक हाउस कोई ऑनरशिप नहीं है है ना? अब इसको लिखना कैसे है देखो यहीं पे एक घर बना है अभी मुखर्जी नगर में ही अभी मैं मकान नंबर नहीं और देखो उसमें ऐसे लिखा है अभी मैं आ रहा अभी मैंने देखा वर्मा हाउस है ना अब बताइए सीधे सीधे ऐसे लिखा है नहीं पता कि उसको लिखना कैसे है और सब घर के पढ़े लिखे लोग हैं क्योंकि यहाँ घर बना है तो पढ़े लिखे हैं लेकिन ऐसे लिख देते हैं सब है ना कंप्लीटली रॉन्ग है आपको लिखना है आप ये बताना चाहते हो कि ये मेरा घर है ये जो है जो सदन है ये चौधरी जी का है तो आपको ऐसे लिखना है चौधरी सदन उसमें ऐसे लगाना है तो ये हो जाएगा चौधरी सदन इसका मतलब हो गया द सदन ऑफ चौधरी है ना क्या हो गया इसका मतलब द सदन ऑफ चौधरी देखो पाठक हाउस है ना अब इसको आपको ऐसे लिखना है ए यहाँ पे ऐसे लगाया पोस्ट ऑफिस यहाँ एस लगा दिया पाठक्स हाउस देखने वाले गलत मानेंगे लेकिन ये सौ परसेंट सही है पाठक हाउस है ना या इसको ऐसे लिख सकते हो द हाउस ऑफ पाठक जो आप कहना चाहते हो वही आपको लिखना है ना द हाउस ऑफ पाठक है ना पाठक का घर या इसको ऐसे लिखो पोजीशन को दिखाने के लिए दो ही तरीका है या तो आप अपेस्ट्रॉफी लगाओगे और या आप आफ का प्रयोग करोगे देखो यहाँ बताया मैंने आपको ना अपने चीज चीज़ों को अपना दिखाने के लिए कि ये चीज़ मेरी है किसी भी चीज़ को अपना दिखाने के लिए ये चीज़ मेरी है उसके लिए दो ही चीज़ का यूज किया गया है इंग्लिश में या तो अपेस्ट्रॉफी का और या तो आफ का तो जब भी आपको दिखाना हो कि जैसे आपको दिखाना है, घर मेरा है तो आप ऐसे लिखोगे पाठक हाउस है ना और अगर आपको ऐसे दिखाना हो कि हमें ऐसे ट्रॉफी नहीं लगाना तो आपको ऐसे लिखना होगा द हाउस ऑफ पाठक तो ज्यादा खूबसूरत लगता है पाठक हाउस है ना बात क्लियर हुई देखो यहां पे लिखा है रामस हाउस क्या लिखा है राम्स हाउस इसका मतलब क्या है राम का घर इसका मतलब क्या है राम का घर द हाउस ऑफ राम बात समझ में आ रही है द हाउस ऑफ राम है ना कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट करके पूछना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे एक एक चीजों को समझते हुए चलना है स्टेप टू स्टेप एक एक चीजों को समझते हुए चलना है क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रूल नहीं है थोड़ा 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 समझते चलना है थोड़ा जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना वो वो कह भी है ग्रामर में अगर ठीक से पढ़ लिया जाए तो गलत होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहती है है ना जो लोग कहते हैं ग्रामर गलत होता है उनको पता ही नहीं ग्रामर कभी गलत ही नहीं हो सकता क्योंकि ग्रामर के रूल फिक्स हैं कि इतना ही रूल है इससे ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं है ना हर टॉपिक में उसके रूल फिक्स हैं उतने रूल आप करा दो और उसको अच्छे से समझ जाए लड़का कभी गलत नहीं होगा है ना पचास साल पहले भी वही पेपर आता था पचास साल बाद भी वही आएगा क्योंकि नई ग्रामर तो बनी नहीं जो निस्फील्ड ने बना दिया वही चल रही है आज भी है ना जो माइकल स्वान ने लिख दिया वही सबको पढ़ना है और बोकैब का जहाँ तक सवाल यह है कि वोकैब ना चाहे वो किसी बोर्ड का लड़का हो सी बोर्ड आई बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड बोकैब से सब परेशान रहते हैं क्योंकि सी बोर्ड में भी बोकैबरी नहीं पढ़ाई जाती वो जो है एक चीजें पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं तो वो कैब सबको याद करना है अब कैसे कौन याद कर पाए कितना ज्यादा उसके पास वर्ड स्टाक हो कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में बने है ना तो यहां तक क्लियर हो गया अब देखो इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कहता है, नाउन के ठीक पहले जो शब्द है उसमें यदि एपास्ट्रॉफी हो तो उसे पोजस्सिव नाउन कहते हैं देखो यहाँ पे पोजस्िव नाउन अच्छा बताइए इस पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में फटाफट पड़ सब बता दो कि इसमें नाउन कौन कौन सा है फटाफट चलो पहले में बता दो पहले फर्स्ट में बता दो नाउन कौन सा है चलो अच्छा बता दो आप लोग बताते रहो देखो ये गवर्नमेंट नाउन है कि नहीं पहले बताइए तो जब गवर्नमेंट नाउन है गवर्नमेंट इज नाउन तो यहां पे देखो ये जो है अगर यहां मैं सिर्फ ऐसे लिख देता कि मोहन या मोदी गवर्नमेंट अगर मैं केवल ऐसे लिख देता आप लोग ध्यान से समझना है कि एक बात को मोदी मान लो मैं ऐसे लिख देता यह है नाउन गवर्नमेंट क्या है नाउन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता मोदी गवर्नमेंट है ना अब हम कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार हमने लिखा मोदी गवर्नमेंट गड़बड़ हो गया पूरा है ना चूंकि मोदी भी नाउन मोदी भी नाउन और गवर्नमेंट भी नाउन है ना दोनों नाउन है कि नहीं है दोनों नाउन है हम कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार और यहां निकल के आ रहा मोदी सरकार अलग अलग चीजें हो गई ना सब कहते मोदी सरकार है मोदी सरकार है जो कहते लोग वही लिख देते हैं उसको सही मान लेते हैं यह चीज गड़बड़ है तो मोदी सरकार है क्या है मोदीज सरकार मोदी जी की सरकार बात समझ में आई अब जैसे मैंने इसको मोदीज किया ये हो गया एडजेक्टिव ये क्या हो गया अप्रॉफी लगते ही ये हो गया एडजेक्टिव और ये बता रहा है पोजीशन को इसलिए इसको कहते हैं पोजेसिव नाउन बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताइए ये पोजीशन को बता रहा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं पोजेसिव नाउन बोलते हैं बात समझ में आई जैसे मनमोहन सिंह की सरकार है ना तो कहा गया एम एस गवर्नमेंट अगर आपने केवल एम एस कह दिया मनमोहन सरकार तो इसका मतलब हो गया मनमोहन वाह द गवर्नमेंट ऑफ मोदी वाह हाँ <laughs> यह भी सही है द गवर्नमेंट ऑफ मोदी है ना लेकिन 99 परसेंट लोग इवन न्यूज में भी लोग बोलते हैं ना मोदी सरकार बताइए कभी इंग्लिश न्यूज चैनल वाले मोदीज गवर्नमेंट नहीं कहते कहते मोदी गवर्नमेंट जे मोदी अब चूंकि उन्हें न्यूज फ्लुएंसी में बोलना है उन्हें ग्रामर का तो एग्जाम देना नहीं है देना आप लोगों को है इसलिए आप लोग जब भी बोलेंगे मोदीज गवर्नमेंट बोलेंगे योगीज गवर्नमेंट बोलेंगे अब चूंकि लोग तो आपको बेवकूफ़ ही समझेंगे जहां बैठेंगे वो कहेंगे पता नहीं कहाँ बोल रहा नया आए हैं ये लेकिन आपके लिए फायदेमंद है एग्जाम के लिए फायदेमंद है है ना मोदीज गवर्नमेंट योगीज गर्मेंट जिसे मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कहा गया मनमोहन सरकार मनमोहन गवर्नमेंट अब जैसे आपने कहा मनमोहन गवर्नमेंट तो दोनों नाउन हो गया मनमोहन नाम है ऑलरेडी नाउन गवर्नमेंट नियम से आप लोगों को बताया हूं यह भी नाउन तो कोई मतलब नहीं निकला लेकिन जैसे आपने कहा मनमोहन गवर्नमेंट एपोस्ट्रॉफी आपने लगाया तुरंत एडजेक्टिव हो गया और यह एडजेक्टिव होते है ये अप्रॉफी जैसे पोस्ट पर एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव होते हुए क्या हो गया पजेसिव नाउन किसी की पोजीशन बता रहा है किसकी गवर्नमेंट की बात समझ में आ रही है ना कोई डाउट हो तो बताना तुरंत देखो यहां पे लिखा है एम एस गवर्नमेंट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट अब देखो ये जो गवर्नमेंट है ना ये है नाउन यहां ध्यान से समझना है कि एक चीज और देखो जो जो एम है ना एम मनमोहन सिंह की सरकार तो ये जो है ये है एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है पोस्ट्रॉफी लगते ही और जो ये एडजेक्टिव है यही पोजीशन को बताने के कारण मनमोहन सिंह की इसको पोजेसिव नाउन कहा जाता है या पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्या कहा जाता है पोजेसिव नाउन कहा जाता है चूँकि ये पोजीशन बता रहा है सरकार की बात समझ में आई देखो यहां अगला देख लो आप कर फॉरेस्ट फॉरेस्ट नाउन है अब अगर यहां जो है हमें पॉस्ट्रोफी नहीं लगाते तो अमेजो अमेजोन अगर अमेजोन कहते तो ये भी नाउन हो जाता हो जाता गड़बड़ अब ये है अमेजोन्स फॉरेस्ट तो ये हो गया पजस्िव नाउन पोजीशन को बता रहा है स्वामित्व को बता रहा है ठीक है प्रेसिडेंट नाउन और ये अमेरिकाज अमेरिकाज प्रेसिडेंट इसका मतलब हो गया ये पोजेसिव नाउन है ना जहां कोई डाउट होगा तुरंत आप लोग बताना है ना क्या हो गया ये पोजेसिव नाउन कोई डाउट है किसी तरह के कोई डाउट नो डाउट नेक्स्ट देखते हैं देखो एक एक चीज़ धीरे धीरे समझते चलना है और क्वेश्चन बनाने हैं इसलिए आपको ज़्यादा समझना है एक एक चीज़ को धीरे धीरे अच्छे से समझना है अब एक चीज़ आ रही है कि अगर दो शब्दों वाला कंपाउंड नाउन हो देखो मैंने बताया ना कि कंपाउंड नाउन आर टू टाइप्स एक दो शब्द होते हैं एक में तीन शब्द होते हैं है ना तो अगर दो शब्दों वाला कंपाउंड नाउन हो और उसमें आपको अपास्ट्रॉफी का यूज करना हो किसका यूज करना हो अपास्ट्रॉफी का तो उसके पहले शब्द में हमें यस एपोस्ट्रॉफी का यूज करना होगा दो शब्द वाला कंपाउंड नाउन हो तो पहले शब्द के अंत में एपोस्ट्रॉफी जोड़ा जाता है ठीक है देखो यहां पे ये कंपाउंड नाउन है पूरा कि नहीं है ध्यान देखो द रोज वाटर द रोज वाटर कंपाउंड नाउन है कि नहीं है सबको पता है पढ़ाए थे आप लोगों को डोज वाटर कंपाउंड नाउन है ना कैसे होता है कंपाउंड नाउन नाउन के ठीक पहले अगर अगर जो है हाईफन का यूज हुआ हो तो दोनों सम्मिलित रूप से कंपाउंड नाउन कहा जाता है तो जो दो शब्द वाले कंपाउंड नाउन होंगे अगर उसमें का यूज करना है तो पहले शब्द के अंत में अपोस्ट्रॉफी लगाया तो यहां The rose water देखो यहां पे द रोज वाटर फ्लेवर इज वेरी स्वीट देखो यहां पे फर्स्ट वर्ड के लास्ट में अपोस्ट्रॉफी लगाना है, है ना देखो पैंस हैंडल कंपाउंड नाउन है फर्स्ट वर्ड के लास्ट में हमको एस लगाना है फर्स्ट वर्ड के लास्ट में एस लगाना है बात समझ में आई अगर दो शब्दों वाला कंपाउंड नाउन हो अगर दो शब्दों वाला कंपाउंड नाउन हो तो पहले शब्द के अंत में अपास ट्रॉफी को लगाना है लेकिन अगर तीन शब्दों वाला कंपाउंड नाउन हो रामदेव योगा आ, देखो जे सही लिखा वाह भाई रामदेव जी की योगा है ना रामदेव यो, योगा है ना बहुत अच्छी चीज है द योगाज ऑफ रामदेव जी है ना देखो यहां पे, लेकिन अगर तीन शब्दों वाला कंपाउंड नाउन है दो शब्दों वाले कंपाउंड नाउन में पहले वर्ड के लास्ट में अपास्ट्राफी को यूज करना है लेकिन अगर तीन शब्दों वाला कंपाउंड नाउन हो तो आखिरी वर्ड के लास्ट में अपास्ट्राफी का यूज किया जाएगा देखो यहां पे सिस्टर इन लाज द सिस्टर इन लाज देखो यहां पे तीन शब्दों वाला कंपाउंड नाउन है आखिरी शब्द में हमें पास ट्रॉफी को जोड़ना है बात समझ में आई द सिस्टर इन लॉज प्रोफेशन इज वेरी फेवरेबल फॉर हर उसका जो प्रोफेशन है सिस्टर इन लॉ का उसके लिए भी फेवरेबल है इज इट क्लियर क्लियर देखो यहां पे किसी भी शब्द के अंत में अच्छा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ पहले ये बताइए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर दो शब्दों वाला कंपाउंड नाउन है और उसको एपास्ट्रॉफी में चेंज करना है तो पहले शब्द के अंत में एपास्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा और अगर तीन शब्दों वाला कंपाउंड नाउन है तो आखिरी शब्द में एपास्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा ये चीज़ क्लियर हुई यहां तक कोई डाउट तो नहीं है अब एक अगला कंसेप्ट देखते हैं कहते हैं कि अगर कोई शब्द है और ऑलरेडी जो है वो दो शब्दों वाला कंपाउंड नाउन है या वैसे मान लो कोई शब्द है और अगर उसके लास्ट में पहले से यस लगा हो जैसे फ्रेंड्स है मान लो अगर उसके लास्ट में पहले से ही यस लगा हो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनते चलिए ना क्योंकि ये बड़ी कई चीज़ें इकट्ठा होके ना बस गड़बड़ कर जाती हैं नहीं तो गड़बड़ नहीं करना है डॉक्टर <laughs> साहब हमारे ज़्यादा समझ रहे हैं ना चलो अच्छा ये जो है मतलब इनको पढ़ाना प्रोफेसर ये मतलब फिजिक्स के अब इंग्लिश समझने लगे हैं है ना मेरे मुँह में आके <laughs> चलो अच्छा कोई नहीं तो देखो आपको ना ओवरलैप नहीं करना कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझना है एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे समझना है तो कहने का मतलब ये चीज़ क्लियर हुई अब एक और चीज़ निकल के आई लड़कों के दिमाग में मान लो कोई बात है एग्जामिनर की अगर पहले ही यस लगा हो फ्रेंड्स बॉयज अब हमारा मन किया हम अपास में कैसे चेंज करें बात समझ में आ रही है ना? अगर पहले ही एस लगा हो और अपास्ट्रॉफी में चेंज करना हो तब क्या करेंगे तो हम अपास्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं देखो ध्यान से कह रहा टूडे माई फ्रेंड्स बुक्स आर स्टोलन गलत हो गया क्यों चूंकि यहां पे फ्रेंड्स है ये लिखा ही गलत है ये है ना यहां पे जो है ये पहले से क्या है फ्रेंड्स है ये देखो यहां पे एस आप लोग देख लीजिए ध्यान से यस yes, यहाँ पहले से है ना क्या है ये फ्रेंड्स है टुडे माई फ्रेंड्स अब देखो अगर फ्रेंड्स कहीं लिखा है ऐसे अगर कहीं लिखा है और इसको आपको अपोस्ट्राफी में चेंज करना है तो इसके लिए बस आपको केवल उसका साइन यूज करना है केवल अपोस्ट्राफी का साइन यूज करना है आपको दोबारा एस का यूज नहीं करना है बात समझ में आई दोबारा एस का यूज नहीं करना है केवल इसकी साइन का यूज करना है इज इट क्लियर कोई डाउट हो तो बताओ जैसे कहीं बॉयज लिखा है बॉयज अब आपका मन कर रहा है इसको मैं पास ट्रॉफी में चेंज करें इसमें हम ना किसी पोजीशन को किसी संबंध या अधिकार को दिखाएं बस आपको लास्ट में ऐसे लगा देना इसके चिन्ह को इसके साइन का यूज करना है आपको दोबारा यस yes का यूज नहीं करना है आपको ऐसे नहीं करना है ध्यान से समझ लो कि आपने ऐसे कर दिया तुरंत गलत हो जाएगा ये तुरंत गलत हो जाएगा आपको ऐसे नहीं करना सिस्टर्स है, है ना सिस्टर्स है बस आपको ऐसे लगा देना है बात समझ में आई <laughs> सही बात है चलो खैर अब आपके घर जाएंगे तो आप पूछना भाई हैं। पढ़ाना तो इनको फिजिक्स ही है लेकिन ना ये तो ज़बरदस्ती एक घंटा बैठ जाते हैं आधा घंटा है नहीं पढ़ाना तो फिजिक्स ही पढ़ेगा <laughs> फिजिक्स ही पढ़ाना है फिजिक्स ही पढ़ाते हैं है? लेकिन ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं मज़ा आता, तो आता है इनको घर में सुनने में मज़ा आता है आपके घर जाएंगे तो आप इनको परेशान करना ठीक चलिए देखो यहां पे कह रहा दो शब्दों वाले प्लूरल कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्राफी का चिन्ह ही पर्याप्त है उसे पोजस्िव में बदलने के लिए अगर दो शब्दों वाला प्लूरल कंपाउंड नाउन है तो उसमें केवल एपोस्ट्राफ़ी का चिन्ह देखो यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है फैन ब्लेड्स अब ये ब्लेड्स है अब इसको आपको बदलना अपोस्ट्राफी में है बस केवल चिन्ह लगा दिया केवल जो है एपोस्ट्राफी का साइन लगा दिया काम हो गया है ना बात समझ में आई तो दो शब्दों वाला अगर कंपाउंड नाउन है और उसको एपोस्ट्राफी में चेंज करना है तो आखिरी शब्द में केवल एपोस्ट्राफी का साइन ही पर्याप्त है बात समझ में आई दो शब्दों वाला कंपाउंड नाउन है और अगर उसे दूसरे शब्द में अगर यस या ई एस लगा है तो आपको बस सिर्फ हेपोस्ट्राफी का साइन ऊपर लगाना है दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है बात समझ में आ रही है ना लेकिन अगर तीन शब्दों वाला कंपाउंड नाउन है देखो यहाँ पे तीन शब्दों वाला अगर कंपाउंड नाउन है तो उसके लास्ट में एस को लगाना पड़ेगा देखो यहां सिस्टर्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है इन लार्ज देखो यहां पर मैंने लगाया एस द सिस्टर इन लास्ट सारी आज वेरी कास्टली बात समझ में आई बात समझ में आई कोई डाउट चलिए अच्छा देखो सभी जगहों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता अब थोड़ा सा एक्सेप्शन है कहां इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता कह रहा है कि सभी जगहों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता तो कहाँ नहीं किया जा सकता यह देखने वाली बात है देखो यहां पे सेंटेंस देखो लिखा है टेबल्स लेग वर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर है ना अब देखो यहां टेबल्स लेग है अब आप बताओ यहां पे जो है एपास्ट्राफी का यूज आपको नहीं करना है कुछ जगहों पे एपास्ट्राफी का यूज नहीं करना है क्यों नहीं करना है इसलिए नहीं करना है ना कि कुछ जगहों पे पास ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता तो जो निर्जीव वस्तुएं हो जहां पे जो है लाइफ ना हो वहां एपास ट्रॉफी का यूज नहीं किया जा, जाएगा क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि हम तो ऑनरशिप और रिलेशनशिप की बात करते हैं पास्ट्राफी ट्रॉफी में संबंध और स्वामित्व के कारण ही एपास ट्रॉफी लगाया जाता है और जहां संबंध और स्वामित्व तो नहीं होगा जहाँ रिलेशनशिप नहीं है जहाँ आनरशिप नहीं है वहाँ पे अपोस्ट्राफी लगाने का क्या मतलब है नहीं इसलिए वहाँ पे अपोस्ट्राफी का यूज किया ही नहीं जाता जैसे देखो तो टेबल्स लेग है जब टेबल में खुद ही नहीं जान है तो टेबल का लेग लिख के हमें फ़ायदा क्या मिला है ना कोई संबंध दिखाने की जरूरत नहीं है इसके लिए हमें लिखा जाएगा द लेग ऑफ टेबल क्या लिखा जाता है द लेग ऑफ टेबल बात समझ में आई ये टेबल्स लेग की जगह द लेग्स ऑफ टेबल लिखा जाता है क्या लिखा जाता है द लेग्स ऑफ ए टेबल होगा क्योंकि टेबल बेंच निर्जीव पदार्थ हैं जिनके साथ एपोस्ट्राफी का यूज नहीं कर सकते बात समझ में आई कहीं भी अगर लाइफ लेस चीजें हों तो उसमें आप जो है लाइफ लेस चीजों में आप जो है एपोस्ट्राफी का यूज नहीं कर सकते हो एक बड़ी अच्छी सी आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ हनुमान जी की जो है देखो हनुमान जी से ना वैसे तो सारी चीज़ें सीखने वाली हैं ऐसी कोई चीज़ उनके अंदर है ही नहीं जो अमर्यादित हो लेकिन कुछ चीज़ें ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिसको सीखना चाहिए सबसे फर्स्ट दो चीज़ें मैंने काउंट की अपने दिमाग से कि दो चीज़ें ना हनुमान जी से सबको सीखनी चाहिए पूरे जनमानस को दो चीज़ें सारी चीज़ें सीखना चाहिए लेकिन दो मेरे नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये है ना इनका ग्रेटिट्यूड जो हनुमान जी का ग्रेटिट्यूड है ना वो बहुत ही अच्छा है उसको सबको सीखना चाहिए देखो हनुमान जी बड़े से बड़ा काम करते हैं समुद्र नाग गए लंका जला दिया सीता जी का पता लगाया लेकिन क्रेडिट अपने आप को कभी नहीं देते हैं कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं देते सीता जी का पता लगा लिया लक्ष्मण जी के संजीवनी ले आए इतने बड़े युद्ध लड़ डाले कितने लोगों को क्या क्या कर डाला लेकिन कभी भी क्रेडिट जो है अपने लिए नहीं लेते हैं तो फर्स्ट थिंग इज ग्रेटिट्यूड जो हनुमान जी का ग्रेटिट्यूड है वो जो है हम लोगों को सीखनी चाहिए और दूसरी चीज़ है हनुमान जी के अंदर इनको इनका कॉन्फिडेंस कभी भी किसी चीज़ को ना नहीं बोलना है ना सब हो जाएगा सब कुछ पॉसिबल है एवरी थिंग इन इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड ये हनुमान जी से सीखने वाली चीज़ है देखो क्या हुआ कहे कि भाई हनुमान लक्ष्मण जी को लग गया शक्ति बाण लग गया एकदम बेहोश पड़े हैं कहे भाई बहुत जल्दी लाना है संजीवनी बूटी जाना कहाँ इतनी दूर आना कब है सूर्योदय के पहले दूसरा कोई आदमी होता सुन के ही बेहोश हो जाता नहीं 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 मेरे बस का नहीं इतना बड़ा काम हम नहीं लेकिन कभी ना नहीं इंसान के अंदर कभी ना है ही नहीं, नहीं हनुमान जी के अंदर तुरंत कहाँ छीख चले जाएंगे तुरंत लेके आए जीवित हो गए लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं है कि हमने क्या किसने किया अरे भैया भगवान की कृपा थी हमारे राम जी की कृपा थी हमने कर मतलब अपना नाम कभी लेना ही नहीं है तो दो चीज़ें इनसे सीखनी है कभी अपने अंदर जो है अहंकार नहीं लाना है और कभी किसी चीज़ को ना नहीं कहना है है ना ये दोनों चीज़ें बजरंग से हमारे सीखने लायक हैं कि कभी भी कोई बड़ा से बड़ा काम हो पहले से ही हाथ पे ढीला नहीं करना कि अरे कैसे होगा पॉसिबल ही नहीं है ना सब पॉसिबल है एवरी थिंग इज पॉसिबल है ना और पॉसिबल होने के बाद प्राउड नहीं करना नहीं नहीं हमने कर लिया हमने क्या किया जब भगवान की कृपा हुई तो अपने आप हो गया है ना जो किसी भी काम को करने के लिए ना भगवान की कृपा परिवार की कृपा समाज की कृपा कहीं न कहीं सबकी कृपा होती तभी हो पाता है काम ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो लिखा यूज ऑफ अप्रॉफी अपस का यूज कैसे करते हैं सजीव जात मानव जात जानवर के साथ देखो ये थोड़ी चीजें हैं ना दो मिनट आप लोग फटाफट पड़ इसको देख लो काउज मिल्क कहा जाता है कहाँ कहां यूज किया जाता है इसका सजीव के साथ मानव के साथ और जानवर के साथ अच्छा ये एक चीज बताओ जब नहीं यूज किया जाता तो कहां नहीं यूज किया जाता है? केवल निर्जीव वस्तुओं के साथ है ना तो इसके बाद जहां भी यूज किया जाता है बस कर देना है धड़ाधड़ है ना देखो काउज मिल्क मदर्स हेड वोमेंस कॉलेज अकबर सिंपायर लायंस रोड ईगल्स नेस्ट राम्स वाइफ राम्स वाइफ है ना अब कोई अगर ऐसे लिख दे महेश वाइफ मान लो ऐसे लिख दे महेश वाइफ तो ये लिखा है महेश पत्नी अलग अलग चीजें कोई ऑनरशिप नहीं है महेश का ना कोई अधिकार है जब तक कि इस पे यस नहीं लगा है ना बात समझ में आ रही है ना जब तक यस नहीं लगा तब तक इस पे महेश का वाइफ पे कोई ऑनरशिप नहीं है कोई पोजिशन नहीं है है ना इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी चीजें लिखें तो उसमें अपोस्ट्राफी या आफ का यूज जरूर करें है ना काउस तेल गाय गाय की पूछ एंड्स इंडस्ट्री फादर स्कार टर्बन, क्लियर है देखो तो किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत करने पर अगर कोई निर्जीव पदार्थ है कोई भी निर्जीव पदार्थ है और उसको मानव के रूप में प्रस्तुत करना है मतलब सजीव बना देना है उसको उसका जो प्रस्तुतिकरण है ना एकदम सजीव की तरह करना है तो वो ऑटोमेटिक जो है उसके साथ अबी का यूज किया जाएगा देखो जैसे यहाँ पे लिखा है घुमा फिरा की वही चीजें हैं देखो डेथ्स हैंड इसको सजीव बनाया गया है ना फॉर्चून्स फेबरेट फॉर्चून्स फेबरेट मोमेंट्स डिले देखो ये स्टोन्स थ्रो बड़ा फेमस बचपन से इसको पढ़ते आए होंगे ना स्टोन्स थ्रो वीक स्लीप नाइट स्लीप यस्टरडेस पेपर टुडेस न्यूज़ डेज वर्ग ये सब चीजें हैं जिसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है है ना देखो वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि उनके साथ वेट शब्द का प्रयोग हुआ हो अच्छा देखो वजन बताने वाले शब्द निर्जीव है ना लेकिन अगर वेट शब्द का यूज हुआ है वेट तो यहां पे एपोस्ट्रोफी का यूज होगा टन्स वेट ग्रामस वेट ध्यान देना इन सब चीजों पे है ना मनी की इकाइयों के साथ ये उनके बाद वैल्यू वर्थ आदि का प्रयोग हो रुपीस वैल्यू मनीज वर्थ अगर ऐसे कुछ दिया हो तो इसका यूज किया जाता है बात समझ में आई देखो स्पेस बताने वाले स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ जैसे रेजर्स एज जर्स एज नीडल्स प्वाइंट बोट्स लेंथ फिंगर्स एंड कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक पहलुओं के साथ समिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे द अर्थ सरफेस ग्रेविटी एरिया किसी भी चीज के लिए सनस रेज साउल्स डिलाइट ऐसे होगा ये साउल्स डिलाइट है ना द माइंड आई द लाज डिले देख लो ध्यान से सब लोग देखो इसको एक बार रिपीट जरूर कर लेना जो क्वेश्चन आते हैं यहां बहुत इजी लगता है लेकिन वहां गलत हो जाएगा अगर नहीं रिपीट करोगे तो कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल से जैसे द सिप्स सिप्स का जो अराइवल है है ना या डिपार्चर है देखो सिप वैसे निर्जीव चीज है लेकिन इसके अराइवल डिपार्चर के लिए पोस्ट्राफी का यूज किया जाता है द ट्रेन्स निर्जीव है लेकिन किया जाता है अराइवल डिपार्चर के लिए प्लेन्स बोट्स क्लियर हो रहा है कि एक चीज किसी पर्सन के क्लास डिग्निनेशन के साथ <laughs> कुछ करता है व्यक्ति जैसे जजेज सेंटेंस लॉयर्स फी एनमीज कैंप देखो ध्यान से आप लोग एक बार यहां तक क्लियर है कोई डाउट देखो इसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपेस्ट्रॉफी के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं है ना तो वो पॉइंट जो है इसमें दो दस बारह पंद्रह पॉइंट है दस पॉइंट मैक्सिमम होंगे पांच पॉइंट करीब बीस मिनट का लेक्चर है और ज्यादा ओवरलैप कर जाएगा क्योंकि बहुत पढ़ा चुका हूं अब एक चीज़ आप लोग पांच मिनट ये देख लो कि जो अनकाउंटेबल नाउन है ये यही कंप्लीट हो रहा है नाउन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है थर्सडे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बताएंगे अपास नाउन के जो पोजेसिव केस के कैसे कैसे क्या है और कुछ जो है क्वेश्चन करवाऊंगा थर्सडे को आज थोड़ा सा दो मिनट और ये देख लो कि लिस्ट ऑफ़ अनकाउंटेबल नाउन जो बड़ी मेहनत से आपने आपके लिए हम लोग हमने बनाई है लिस्ट ऑफ़ अनकाउंटेबल नाउन है न ना? तो ये आपको देखनी लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन है ना जी hmm. देखो लिस्ट ऑफ आल अनकाउंटेबल कामन नाउन इन इंग्लिश इंग्लिश में जितने भी अनकाउंटेबल कामन नाउन हैं जो आलवेज सिंगुलर में यूज होते हैं और जो कंफ्यूजन से उसके साथ लोग प्लूरल वर्ब लगा के या उसको प्लूरल समझ के गलत करते हैं वैसा नहीं करना है उसकी एक लिस्ट है करीब ढाई तीन सौ है अब ढाई तीन सौ आपको नहीं याद करना चूंकि जितना आपके लिए जरूरत थी मैंने वैसे करा दिया विद एग्जाम्पल इसमें आप लोगों को करना क्या है घबराना नहीं है कि इतना सर बता रहे कैसे याद होगा देखो जो कलेक्टिव नाउन की लिस्ट दी थी वो बहुत ईजी है उसको तो आप लोग याद कर लेना है ना वो तो बहुत सिंपल है और बाकी जितना मैंने <coughs> कराया था उतना भी आप लोगों को करना ही करना है ये जो लिस्ट है ना अनकाउंटेबल नाउन की इसमें आपको ये देखना है देखो अगर मैं अपने मन से टिक करा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो अच्छी चीज़ नहीं चूँकि मन ने तो इम्पॉर्टेंट सारे कराई दिए हैं इसमें आपको ये देखना है ना कि जो चीज़ें आपको दैनिक जीवन में यूज कर होती हैं है ना जो चीज़ें दैनिक जीवन में यूज होती हैं उसमें उसको स्टार बना लेना उस पर उस वर्ड को जो आपके कान में पड़े हों या किसी एग्जाम में आए उस पर स्टार बना लेना और उसको एक झलक देख लेना है ना क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा लिस्ट हो जा रही है इसकी लेकिन एक बार देख लेना आप लोग देखो ये चीज़ें हैं ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ always verb का यूज होता है। देखो जैसे एड ईयर वोहल एंगर एप्लाज एथलेटिक्स अटेंशन अब इसमें आप लोगों को करना क्या है देखो अब आपको पता है ना कि एक्मोडेशन का यूज हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं है ना इसमें हम यस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते और इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज होगा एडवाइस हम लोग जानते हैं एयर का यूज़ हम लोग देखते हैं कभी एयर्स नहीं करना है अल्कोहल सबको पता है एथलेटिक्स आर्ट्स नहीं कह सकते हम लोग आर्ट जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अर्थमेटिक देखो इतनी चीज़ें हमारे समझ में आ रही हैं है, है ना ऐसे आप लोगों को टिक करना है देखो असिस्टेंट्स नहीं कह सकते हम लोग लेकिन एक झलक ऐसे पढ़ते जाओगे तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा बाकी पढ़ना पूरा ही है बैकन देखो बैगेज है ये बैगेजेस नहीं कह सकते कभी भी है ना बैगेज है बीप्स नहीं कह सकते बीप्स बियर बायोलॉजीज नहीं होता है ना बियर्स की बोतल नहीं ब्लड्स नहीं हो सकता कभी ब्लड्स बॉटनीज नहीं हो सकता ब्रीड्स कहते हैं ब्रीड्स <coughs> बटर ना बटर बटरस नहीं होता कभी बटरस नहीं होता बिजनेसेस नहीं कह सकते आप ध्यान देना ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और ये ऑलवेज सिंगुलर में यूज होते हैं कार्बन कार्बन बोर्ड कैश चाक क्यास चीज क्लोथिंग कोल कॉफी कॉमर्स कंपेसन कंप्रीहेंशन कंटेंट करप्शन कॉटन करेज करेंसी है ना एक एक चीज ध्यान से देखते चलना है Damage, dancing डांसिंग डेंजर डे डिजर्ट डिग्निटी डिस्ट्रीब्यूशन डस्ट अरे डरना नहीं भाई याद देखो विपिन जी चौक विपिन जी को लगता है मुझे पूरा याद करना पूरा नहीं याद करना है। हमें सब समझा रहा है पूरा नहीं याद करना घबराओ नहीं ना जितना याद करना था उतना मैंने पहले ही करा दिया है बशरते इसमें ना आप जैसे ए उठाना उसमें से पाँच दस जो आपको सही लगेंगे टिक कर लेना बी जो आपको सही लगेगा टिक कर लेना सी में टिक कर लेना है ना पढ़ोगे अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी कि ये ज़्यादा समझ में आ रहा है है ना घबराना नहीं है और जब कापी आपके पास बनी रहेगी ना तो ऑटोमेटिक आँख उस पर जाती रहेगी ठीक है पूरी लिस्ट है देखते चलना है है ना अब कह दें इकट्ठा सब याद कर लो पता चला कि लड़के ही भड़क जाए मेरे ऊपर बहुत याद करा रहे हो हैं देखो ये लिस्ट देखो यहां पे देखो इकोनॉमिक्स एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी इंप्लॉयमेंट एनर्जी इंजीनियरिंग इंजॉयमेंट इथिक्स अब देखो इथिक्स देखो देखने में लगता है प्लूरल है है ना देखने में लगता है प्लूरल है है लेकिन ये सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें भले एस लगा हो लेकिन ये अलबेज जो है सिंगुलर ही होते हैं है ना बहुत लड़के कहते हैं इंजीनियरिंग्स इंजीनियरिंग्स नहीं होता है ना इकोनॉमिक्स देखो प्लूरल लग रहा है लेकिन होता ही सिंगुलर में है, है ना एक एक चीज ध्यान से देखते जाओ सब लोग देखो ये फेलियर फेथ फेम फिक्सन फ्लोर फ्लू फूड फ्रीडम फ्रूट फ्यूल फन फर्नीचर सादीवादी में लड़कियों के ले लोग ना जो मतलब मम्मी पापा लोग जो हैं वो फर्नीचर्स कहने लगते हैं हमारे भाव में आके बहुत ज्यादा खरीद लिया पंद्रह बीस चेयर ले ली सोफा ले ली तो फर्नीचर्स फर्नीचर्स नहीं कहना है फर्नीचर है ना चाहे जितनी चेयर खरीदो लेकिन वो रहेगा सिंगुलर ही फर्नीचर देखो जी का देखो कितना भी कूड़ा हो जाए लेकिन वो गार्बेज ही रहेगा गारबेजेज कभी नहीं होगा है ना गार्बेज तो जो दैनिक जीवन में वर्ड आप यूज करते हो ना उसको एक बार जरूर टिक करके पढ़ लेना ठीक है गार्बेज, गार्लिक गैस जेनेटिक्स ग्लास गोल्ड अच्छा देखो एक चीज़ और है कि जितने मेटेरियल नाउन हैं वो सब अनकाउंटेबल होते हैं उसको एक बार अपने आप देख लोगे तो याद हो जाएगा और जितने सब्जेक्ट हैं भले उसमें एस या ई एस लगा हो वो सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं है, है ना वो सारे अनकाउंटेबल हैं और सारे सिंगुलर हैं। जितने भी लिक्विड हैं, जितनी लिक्विड हैं, मिल्क वाटर घी ऑयल ये सब अनकाउंटेबल हैं और इसमें आप यस yes या, या, या जोड़ के उसको प्लूरल नहीं बना सकते देखो आधी समस्या सॉल्व कर दी आपकी चार पॉइंट बता के है ना देखो हेयर है ना हेयर देखने में ऑटोमेटिक प्लूरल लगता लगता है कि बहुत ज्यादा बाल है लेकिन ये ऑलवेज सिंगुलर में यूज होता है हेयर है ना ऑलवेज सिंगुलर में यूज होता है ध्यान रखना आप लोगों को हेयर हेल्प होमवर्क ऑनेस्टी अनी हॉस्पिटेलिटी हाउस वर्क सब ध्यान से देखते चलना आपको है ना देखो फटाफट पड़ सब लोग तो चार पॉइंट जितने भी मेटेरियल नाउन होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे जितनी भी लिक्विड होंगी वो अनकाउंटेबल होंगी जितनी भी लिक्विड सब्जेक्ट के जितने भी नाम हैं भले उसमें यस या यस या लगा हो सब अनकाउंटेबल होंगे है ना तो कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक आपको पता चल रही है प्रॉपर नाउन जितना भी होगा वो सब अनकाउंटेबल होगा उसमें यस या यस लगा के उसे प्लुरल नहीं बनाया जा सकता तो इसमें से आधा तो ऐसे ही याद हो गया चार पॉइंट प्रॉपर नाउन जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे अनकाउंटेबल होंगे उसमें आपको यस यस लगा प्लोर नहीं बनाना जितनी भी लिक्विड्स हैं <laughs> सब अनकाउंटेबल होंगी जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं भले यस yes, यस yes, लगा हो सब सिंगुलर होंगे अनकाउंटेबल होंगे है ना देखते चलो सब फटाफट देखो एल में इतना है लेबर लाइक लैंड लाफ्टर लावा लेदर लीजर लाइटिंग लिक्विड्स है ना लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर लिटर लिपस्टाक लॉजिक देखो लव है ना लव वर्ड इसमें भी यस या यस लगा के किसी प्लूलर नहीं बनाया जा सकता है ना ठीक है एज ए नाउन वैसे एज ए वर्ब के रूप में यूज होता है तो वहां बात अलग हो जाती है है ना इसको देखो मशीनरी मैजिक मैनेजमेंट मैनकाइंड मिजल्स मिजल्स मीट मेटल मिल्क मनी मड लेजर लीजर बताओ लीजर मतलब भाई आलसी टाइप के लोग होते हैं क्या जो आलसी टाइप के लोग होते हैं इनको बोलते हैं ना थोड़ा सा मंद टाइप के आलसी टाइप के लोग और क्वेश्चन आप लोग देखे थे किसी को जो बताए थे वो चीज क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था कोई फंसाया नहीं मुझे कह रहा था हम बताएंगे पूछ के आप लोगों को देख के ह कोई देखा था एक आध क्वेश्चन बताओ मुझे देखें कहां फंसाए हमें वेकेशन हम्म हाँ तो वैसे टाइप का इसका यूज किया जाता है ना कि जैसे फुर्सत में लोग बैठे रहते हैं ना आलसी टाइप का कुछ करना धरना ना हो हाँ कल पूछना उसके लिए यूज़ किया जाता है जो एल ई एस यू आर ई इसको पढ़ते हैं लेसर टाइप का वर्ड है ये लेसर है ना ला पर एक मंत्रा बड़ा शाह और रा में छोटा लगाते हैं तो इसको ना दो दो सेंस में यूज करते हैं एक तो जैसे कोई काम वाम ना हो जैसे खाली बैठे रहो सुस्त टाइप का है ना तो ऐसे मान लो सुस्त बिना काम का कुछ काम ना हो दम तो आराम ऐसे यूज किया जाता है ना लीजरली स्पेयर टाइम हाँ देखो खाली समय देखो ये साल्ट सैंड सटायर सीनरी सीनरीज कहीं नहीं लिखना है ना स्मोकिंग स्नो सोप सेम सॉफ्ट बियर सॉइल सॉरो सूप स्पीड स्पेलिंग स्पोर्ट सब लोग इसको ध्यान से एक एक चीज आप अपने हिसाब से टिक कर लेना है ना ट्रेबल ट्रस्ट टिम्बर टाइम थर्स टेनिस टी टोस्ट टोलरेंस है ना अंडरस्टैंडिंग अनप्लॉयमेंट यूनिटी यूजेज बेनिजियंस बॉयलेंस विजन विटेलिटी वेलिडिटी व्हील वेजिटेशन बस खत्म है ज्यादा नहीं है अच्छा जितने भी अनाज है ना जितने भी व्हीट राइस इसमें जो है ये सब अनकाउंटेबल नाउन है ये भी एक चीज जान लो जितने भी अनाज है ये सब अनकाउंटेबल नाउन है है ना तो चार पॉइंट पॉइंट हो गया छडीम चलो ईस्ट योगा यूथ जिंक जुलोजी एंड ऑल अदर लिक्विड्स तो यहाँ पे जो है सब कर लिए आप अब नाउन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और थर्सडे को क्वेश्चन कराऊंगा पाँच दस मिनट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अपोसट्रॉफी के उसको भी बता दूंगा फिर नाउन से आप लोगों को फुर्सत मिल जाएगी आज सिक्स लेक्चर है नाउन का है ना कि फाइव फाइव सिक्स लेक्चर है इसमें एक लेक्चर और चलेगा उसके बाद इसके लास्ट टेन ईयर्स के क्वेश्चन करा दूंगा तो जब आप लोगों को पेपर कभी देना होगा ना तो आप लोगों को हाय तो बार नहीं मिचे अरे पेपर आ गया अरे कैसे करें क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना इस सबसे आप लोगों को फुर्सत रहेगी तो क्लास यहीं कंप्लीट हो रही है आज कल जो है आर आर वर्ड का लास्ट टेन ईयर्स पेपर करना है आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा कल क्वेश्चन करना है आप लोगों को और खूब मेहनत से क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन बनाने से ना रिपीट भी होगा याद भी होगा और बड़ा फायदा रहेगा ठीक है कल मिलते हैं थैंक्स व्यूअर थैंक्स फॉर वॉचिंग कल मिलते हैं टाइम से ठीक है ओके okay. कल मिलते हैं आप लोग